मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बालों के झड़ने से हम मोस्टली ऐसे होता है कि एक सीजन साल में ऐसा आता है कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसा इलाज है जिससे हम इस बाल झड़ने की हर साल या फिर जैसे ही सीजन में थोड़ा बदलाव आता है उससे हम बच सकते हैं। ये बहुत आसान है ये उपाय करना, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, तांबे का बर्तन लेना है, उसमें दही डालकर आपने 5 से 6 दिन के लिए रखनी है। उसके बाद इसे अच्छे से किसी भी स्पून से मैश कर लें यानी घोल लें उसी बर्तन में, कुछ और ऐड नहीं करना। उसके बाद इसे अपने बालों में अप्लाई करें और 1 घंटा तक रखें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नॉर्मल दही लें और इसे बर्तन में डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक उसका कलर ग्रीन न हो जाए। आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। वो जो बचा हुआ दही होगा उसे अपने सिर पर लगा लें। चाहे तो आप 5 6 दिन रख के वो दही सिर पे लगाएं या फिर ऐसे मैश करें, अभी डाली जैसे बर्तन में और ऐसे मैश किया कि वो उसका कलर जो था वो ग्रीन हो गया, उसे अपने बालों में अप्लाई करा। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको अपने बालों को वॉश करना है। अब जानते हैं उसे वॉश करने का तरीका क्या है जिससे हम ये बाल टूटने की जो प्रॉब्लम है इससे आज़ादी पा सकें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी नेल्स और बाल होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दही, दूध, प्रोटीन, जो एग वगैरह खाता है वो एग खाए। इन चीज़ों के प्रोटीन युक्त चीज़ों को खाने से हमारे अंदर प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। हम बाहर से तो उसका इलाज कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जो अंदर की कमी है वो भी दूर हो जाए, तो प्रोटीन युक्त फूड खाइए। दालें, ग्रीन दाल, मूंग की खाइए, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। दही, दूध, ये चीज़ें लीजिए ताकि अंदर की जो प्रोटीन की कमी है वो दूर हो सके और आपका पूरी तरह से इलाज हो सके। अब जानते हैं अपने बालों को वॉश कैसे करना है। तो वॉश करने के लिए आपको आंवला लेना है सूखा हुआ और शीकाकाई लेना है। उसे भिगोकर 1 दिन के लिए रख देना है और जो पानी बचता है उस पानी से अपने बालों को वॉश करना है। आपने ये वॉश करना है दही को लगाकर 1 1.5 घंटे के बाद इसे वॉश कर लेना है इस पानी से। ऐसा करने से जो बाल टूटने की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो इलाज है बहुत इजी है और अजमाया हुआ है, आप इसे करें। और जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस बाल कारण, तो आप इनसे आज़ादी पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बालों को झड़ने से हमेशा के लिए रोकने के लिए जब भी सिंपल पानी से अगर आप अपने बालों को वॉश कर रहे हैं तो उसके अंदर मतलब ये कह सकते हैं कि 2 3 ढक्कन जो होते हैं वो गोमूत्र के डालकर अपने बालों को उससे वॉश करें। पहले आपने जो भी शैम्पू जो भी यूज़ करना था कर लिया, उसके बाद आप बालों में जो बालों को वॉश करने के बाद हम एंड में पानी डाल रहे हैं, सपोज करो कि अब आप एंड में पानी डालने लगे हैं अपने बालों में, तो जो एंडिंग पानी होगा उसमें गौमूत्र ऐड करके अपनी, ताकि आपकी जड़ों को गौमूत्र जो है वो मिल सके बालों की जड़ों को। इससे बाल मजबूत, घने, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन बालों को टूटने से बचाने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के।